नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन और मैं हूं आपके साथ चिराग सुखीजा। मेरे साथ मोनू चहल मौजूद हैं। भारत बनाम इंग्लैंड तीसरा टेस्ट मैच यानी कि राजकोट टेस्ट 15 फरवरी सुबह 9:30 बजे से शुरुआत हो जाएगी जिसकी, लेकिन अभी भी प्लेइंग 11 को लेकर कुछ कुछ पेच फंसे हुए हैं। कप्तान रोहित शर्मा क्या डिसीजन लेंगे ये तो सुबह 9 बजे टॉस के वक्त ही पता चलेगा, जिसमें से शायद सबसे बड़ा सवाल ये है कि कुलदीप यादव या फिर अक्षर पटेल, इन दोनों में से कौन सा खिलाड़ी खेलता हुआ नजर आएगा। मोनू चहल, सबसे पहले आपकी राय लेते हैं, दर्शकों से भी जानना चाहते हैं, आप भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, अक्षर पटेल या फिर कुलदीप यादव। यार देखिए, ये हुआ क्यों, क्योंकि रविंद्र जडेजा कमबैक हुआ, ये भी आप बताइए, क्योंकि वो जो चोट लगी थी पूरी तरीके से फिट है वो, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और अब वो राजकोट टेस्ट खेलेंगे, लेकिन वो खेलेंगे लेकिन बाहर कौन जाएंगे ये सवाल है। कुलदीप यादव या फिर अक्षर पटेल, क्योंकि अक्षर पटेल देखें एक मैच क्या उन्होंने दो मैच खेले, बल्कि दो मैचों में 5 विकेट उनके। अब अगर कुलदीप यादव का देखोगे तो उन्होंने एक ही टेस्ट खेला है लेकिन उन्होंने 4 विकेट छक्के हैं। सो आई थिंक अगर रिस्ट स्पिनर है कुलदीप यादव, सो आई थिंक मैं तो चाहूंगा कुलदीप यादव को खिलाएं टीम इंडिया, मेरा तो ये सोच है, आपको क्या लगता है? बिल्कुल, मुझे भी लगता है कि कुलदीप यादव को ही खिलाना चाहिए। हालांकि टीम इंडिया जो डिसीजन है वो शायद उस बेस पे भी ले सकते हैं कि आपको बैटिंग डेप्थ चाहिए। अगर अक्षर पटेल खेलते हैं तो नंबर 9 तक आपके पास बल्लेबाजी होगी, फिर 10 और 11 यानी कि जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज, ये दो आपके पास रह जाएंगे जो आप ऑलराउंडर्स की कैटेगरी में नहीं डालेंगे, लेकिन उसके अलावा नंबर 9 तक आपके पास बल्लेबाजी रहेगी। अगर कुलदीप यादव खेलते हैं वो आपके पास एक एज जरूर रहता है, स्पिनिंग ऑप्शन एक बेटर ऑप्शन रहता है आपके पास, लेकिन उससे आपके बल्लेबाजी की डेप्थ जो है वो कहीं ना कहीं कम हो जाती है। अब मुझे लगता है कुलदीप यादव, क्योंकि जब हमने हैदराबाद टेस्ट यानी कि पहला टेस्ट मैच देखा था उसमें ओली पोप हो चाहे बेन डकेट हो, लगातार स्वीप रिवर्स स्वीप से रन्स बना रहे थे और कुलदीप यादव ने दूसरे टेस्ट मैच पे उस पर काफी हद तक रोक लगाई थी। अक्षर पटेल के खिलाफ रन्स काफी ज्यादा लीक हो रहे थे और अक्षर पटेल, वो आप कहते हैं ना मोनू की अंत में जब लास्ट ऑप्शन आपके पास होता है तब आप अक्षर पटेल को गेंदबाजी के लिए लेकर आते हैं। वो इनफैक्ट ये है कि अगर सिराज और मुकेश कुमार उन दोनों को छोड़ दे, वैसे अक्षर पटेल इनके अलावा वैसे लास्ट में बॉलिंग करते हैं, तो मुझे लगता है कि यार आपको 9 तक बल्लेबाजी नहीं चाहिए, आपको एक ऐसा स्पिनर चाहिए जो आपका विकेट टेकिंग एबिलिटी लेकर आता हो। बिल्कुल, और दो बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें आपने बड़ा अच्छी बात कही, वो जो झाड़ू पर लगाम लगाते हैं ना वो कुलदीप यादव लगाते हैं, क्योंकि वो आप कुलदीप यादव को हाथ से पढ़ नहीं पाते, खासकर इंग्लिश बैट्समैन वो स्ट्रगल करते हैं कुलदीप यादव के अगेंस्ट। लेकिन अब इंडिया क्या ये गैम्बल खेल सकता है कि भाई एक पेसर विद 4 स्पिनर्स, वो भी नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि देखिए ये जो विकेट है अब तक जो हमने देखा है या सुना है, क्योंकि जडेजा ने बताया ये फ्लैट सरफेस है, अब यहां पर रैंक रनर तो है नहीं कि यार आप चारों स्पिनर्स को उतार दे मैदान पर, क्योंकि इंग्लैंड को देखिए जो इंग्लैंड की प्लेइंग 11 आई है, आप ये देखिए इंग्लैंड की प्लेइंग 11, इसमें आपको सिर्फ 2 पेसर दिखेंगे और 2 स्पिनर दिखेंगे, रेहान अहमद यहां होंगे, टॉम हार्टली होंगे, मार्क वुड और जेमी एंडरसन भी इस टीम में हैं। अब इंडिया की जो संभावित प्लेइंग 11 है इसमें अगर आप देखेंगे चिराग, तो मुझे लगता है कुलदीप यादव खेलेंगे लेकिन अक्षर है उनके साथ भी ना इंसाफी, लेकिन बाहर जाएंगे। बिल्कुल, मुझे भी लग रहा है अक्षर पटेल हो सकता है यहाँ पर बाहर चले जाएं, क्योंकि आपको एक प्रॉपर स्पिनर और उसके अलावा एक और फैक्टर है, रविंद्र जडेजा लेफ्ट आर्म स्पिनर, अक्षर पटेल लेफ्ट आर्म स्पिनर, वो बहुत ज्यादा लाइक टू लाइक चीजें हो जाती है और आप नहीं चाहेंगे कि आपके पास सारे फिंगर स्पिनर्स ही रह जाएं और आप वो रिस्ट वो एक चाइना मैन का ऑप्शन लेकर आते हैं, तो इस वजह से शायद एक वेरिएशन आ जाएगी कुलदीप यादव के आने से, इसलिए मुझे लगता है। और दूसरा सबसे बड़ा फैक्टर मोनू जिसे हमें नहीं भूलना चाहिए, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करने भी आए थे कुलदीप यादव, अगर कुलदीप यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और उसके बाद वो बाहर जा रहे हैं तो शायद इसके चांसेस थोड़े से कम नजर आ रहे हैं, मतलब साइन है वहां से कि यार वो खेलेंगे ये मैच। लेकिन अक्षर पटेल अगर आप देखोगे तो 133 रन बनाए उन्होंने, 2 टेस्ट मैच खेले हैं, लेकिन अब ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा कैप्टन या फिर कोच को कि भाई हमें बैटिंग में डेप्थ चाहिए या फिर विकेट टेकिंग ऑप्शन चाहिए आपको, क्योंकि विकेट टेकिंग ऑप्शन में आए थे कुलदीप यादव थोड़े से आगे नजर आते हैं, क्योंकि वो टेस्ट में उनके रिकॉर्ड्स बताते हैं कि हर मैच में उनके विकेट्स हैं, सो आई थिंक ये डिसाइड करना पड़ेगा आपको। लेकिन राजकोट में एक बात तो पक्की साफ है चिराग कि रन बनेंगे, बिल्कुल रन बनेंगे। और एक और चीज है कुलदीप यादव के साथ, आप अगर पिछला मैच छोड़ दें, पिछले मैच से पहले जो कुलदीप यादव ने आखिरी टेस्ट मैच खेला था उसमें वो प्लेयर ऑफ द मैच भी रहे थे, बिल्कुल के बाद हम कुलदीप यादव को कहां पे छोड़ आए थे, कहां गुम कर आए थे, वो शायद सवाल टीम इंडिया तलाश रही होगी। लेकिन एक मैच के बाद अगर आप कुलदीप यादव को फिर ड्रॉप कर रहे हैं, ये थोड़ी सी नाइंसाफी फिर कुलदीप यादव के साथ भी हो जाएगी। हालांकि
चांसेस मुझे लगता है कि अक्सर पटेल के खेलने के भी बन जाते हैं, क्योंकि टीम मैनेजमेंट ने काफी बार ऐसा डिसीजन लिया है कि वो बैटिंग डेप्थ के साथ ही जाए। बिल्कुल, बॉल डिसीजन लेने के लिए जाने जाते हैं रोहित शर्मा, जब उनसे पूछा जाता है कि भाई कोई रीजन, वो कहते हैं नो पर्टिकुलर रीजन, ये ऐसी बातें आती हैं। बट मुझे मुश्किल लगता है, मुझे ऐसा लगता है इंडिया जो 3-2 के साथ जाएगा, जो कॉम्बिनेशन होगा, टू पेसर होंगे उसमें, क्योंकि जो ये विकेट है मुझे अब तक दिखा है तो इसमें चिराग जो फोटोज आई है पिच की, तो वो ऐसी है कि आपको ना तेज गेंदबाजों को जो पहले 2 घंटे होंगे उसमें आपको मदद मिलेगी ही मिलेगी, तो उसके बाद फिर रिवर्स स्विंग मिलेगी, तो ऐसे मोहम्मद सिराज इस टीम में आपको दिखते हैं। मुझे ऐसा लगा सिराज के साथ इंडिया जाएगा और बुमराह के साथ भी 3 स्पिनर्स, इसमें अश्विन होंगे और कुलदीप और जडेजा, आई थिंक ये कॉम्बिनेशन टीम इंडिया का हो सकता है। लेकिन एक बदलाव नहीं बल्कि 3 बदलाव हो सकते हैं। अब केएल राहुल देखिए चोटिल हैं, अय्यर बाहर चले गए हैं, अब अय्यर की जगह कौन आएगा, उसके बाद फिर तेज गेंदबाजी में कौन आएगा, क्या मुकेश की जगह कौन आएगा, ये भी ऑप्शन बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा। और नंबर 3 जिस पे हमारी डिस्कशन है कि यार कौन आएगा, अक्षर या कुलदीप, ये भी बड़ा डिपेंडेंट रहेगा। बिल्कुल, बहुत सारी चीजें हैं प्लेइंग 11 को लेकर, लेकिन आपका क्या मानना है, आपके हिसाब से कौन सी प्लेइंग 11 राजकोट में खेलती हुई नजर आएगी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया अब तक न्यूज नेशन को तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब भी कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि देश और दुनिया से जुड़ी हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे। देखते रहिए न्यूज नेशन।